आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। गाजियाबाद के विजयनगर कॉलोनी में एक विवाहिता की धारदार हथियार से गोदकर हत्या करने के मामला सामने आए हैं। आरोप है कि एक तरफा प्यार के चलते जब महिला ने आरोपी को वैलेंटाइन डे पर डांटा तो गुस्से में आकर आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। वहीं परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले ही आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उसको छोड़ दिया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में SSP ने लापरवाही के चलते चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन क्षेत्र के सरवट फाटक के पास एक अधेड़ महिला ने रुड़की की तरफ जा रही देहरादून एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद फाटक के गार्ड ने इसकी सूचना स्टेशन मास्टर और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर 2 थानों की पुलिस पहुंच गई। वहीं दोनों थानों की पुलिस के बीच अपने अपने क्षेत्र को लेकर हुई जद्दोजहद के बाद आखिरकार थाना सिविल लाइन पुलिस ने ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुशीनगर में NH-28 पर हुई एक लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने लूटे गए रुपए, 1 देसी तमंचा बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र सरोज की पीट पीट कर हत्या का विरोध करते हुए बांदा में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रदेश की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को दलित विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने छात्र के हत्यारों को फांसी की सजा और मुआवजे की मांग की है। कन्नौज में 4 माह से वेतन न मिलने से परेशान जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कन्नौज में हड़ताल पर बैठे कर्मियों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिल जाता हड़ताल खत्म नहीं होगी। कन्नौज विकास भवन परिसर में ही 8 DRD कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। देश की हिफाजत करते हुए बुलंदशहर का एक सपूत शहीद हो गया। बता दें कि BSF के जवान मानसिंह लोधी राजस्थान के बीकानेर बॉर्डर पर तैनात थे, जहां हुई गोलीबारी में गोली लगने से वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव अहमदगढ़ के रंधौरा पहुंचा, जिसके बाद हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद भोला सिंह भी मौजूद रहे। बहराइच में 50 वर्ष पूर्व स्वर्गीय बाबूलाल सिंघल के द्वारा संतोषी माता मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसका पुनर्निर्माण श्री श्याम बाबा मंदिर समिति के नाम पर कराया जा रहा है, जिसमें शिव परिवार और राम दरबार समेत कई अन्य देवी देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित रविशंकर गुरु भाई के द्वारा कथा कही जाएगी। वहीं इससे पहले एक कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। सत्ता के मोह के चलते नेताओं का बदल जाना कोई नई बात नहीं है, जिसकी एक बानगी आगरा में तब देखने को मिली जब बसपा पार्षद ने सत्ताधारी दल से नजदीकियां दिखाने के लिए भाजपा मेयर की प्रशंसा करते हुए शहर में होर्डिंग्स लगवा दिए। इन होर्डिंग्स में वो भाजपा का आभार और अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले पर बसपा के मेयर पद के प्रत्याशी रहे दिगम्बर सिंह धाकरे ने पार्षद को पार्टी का विभीषण भी करार दिया। सीतापुर के BSA दफ्तर में चतुर्श्रेणी के एक कर्मचारी की बीमारी के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के गेट पर मृतक के शव को रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि मृतक को पिछले 5 महीने से वेतन का एरियर नहीं मिला था, जिस कारण उसका उचित इलाज नहीं मिलने पर उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने वेतन के भुगतान और मृतक के बेटे को नौकरी देने की मांग करते हुए प्रदर्शन की बात कही। बागपत के कोताना गांव में नहर में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नहर से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव पर लगे चोटों के निशानों को देखकर पुलिस महिला की हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका जता रही है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन मृतका की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। रायपुर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को शिक्षा दे रहे शिक्षा कर्मियों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मौके पर संयुक्त शिक्षक संघ के सदस्य ने बताया कि पिछले 3 माह से शिक्षा कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है, ऐसे में उनके और उनके साथियों को परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते शिक्षा कर्मियों ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के सामने कटोरा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, जिस पर सर्व शिक्षा अभियान के डायरेक्टर ने जल्द ही वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है।
रायपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पंडरी के पशु चिकित्सालय का आगाज किया। इस दौरान जहां पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई, वहीं अस्पताल का शुभारंभ गौ माता से कराया गया। परिषद की माने तो यह अस्पताल पिछले 14 वर्षों से बन रहा है, राज्य सरकार इसे खोलने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसे में परिषद ने इसका विरोध किया, तब जाकर सरकार ने इसे खोलने में दिलचस्पी दिखाई और अब यह अस्पताल हमेशा के लिए शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।